हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सूरज मेडिसन में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरासीटामोल सस्पेंशन आईपी के बारे में। दोस्तों, इस सिरप के क्या यूज हैं, क्या इसकी डोज है और क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं और इसके क्या कंपोजिशन है और कौन कौन से पेशेंट इसको ले सकते हैं और कौन कौन से पेशेंट को इसको नहीं लेना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, पैरासीटामोल इसका जेनरिक नाम है। बात कर लेते हैं हम इसके यूज के बारे में। तो फीवर रिड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों के बॉडी में जब पेन होता है तो उस समय डॉक्टर इसका इस्तेमाल कराते हैं। हेडेक होने पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल कराते हैं या ज्वाइंट पेन होने पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल कराते हैं। फ्लू लाइक कोल्ड होने पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल कराते हैं। दोस्तों, पैरासीटामोल आपको टेबलेट फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में, ड्रॉप फॉर्म में और सीरप फॉर्म में मिल जाता है, जो कि आप मेरे हाथों में देख रहे हैं। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो ईच 5 ml कंटेंट, यानी कि ईच 5 ml में आपको क्या क्या मिलने वाला है। पैरासीटामोल इंडियन फार्माकोपिया गाइडलाइन को फॉलो करते हुए 125 mg की मात्रा में इसमें डाला गया है। इसके साथ ही एराइथ्रोसिन इसका कलर है। क्वांटिटी सफिशिएंट के लिए फ्लेवर्ड सिरपी बेस्ड में तैयार किया गया है, जो कि इसके वॉल्यूम को बढ़ाते हैं और इसको लिक्विडिटी देते हैं। इसकी 60 ml की बोतल आपको 21.60 रुपए में किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। एरिया वाइज इसके MRP कम या ज्यादा हो सकते हैं। बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, इसको कभी भी सेल्फ इंडिकेशन नहीं करना है। जब भी आप किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही करें, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन और बॉडी वेट को देखते हुए मेडिसिन की एडवाइस करते हैं। सामान्यतः जो डॉक्टर इसकी डोज की एडवाइस करते हैं, वो प्रॉब्लम अगर ज्यादा है तो 5 ml डोज और अगर प्रॉब्लम कम है तो 2 ml डोज में देते हैं। इसकी डोज अगर आपको लेना है तो खाना खाने के बाद लेना है, क्योंकि इसमें पैरासीटामोल है। खाली पेट लेने से आपको एसिड की समस्या हो सकती है। इसी के साथ आपको इसको ओवरडोज नहीं लेना है। ज्यादा ओवरडोज लेने से आपके लीवर डैमेज होने के चांस रहते हैं। इसके साथ ही एलर्जी, खुजली या सांस लेने में तकलीफ की समस्या हो सकती है। इसके साथ जब भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो इसको अच्छे से शेक कर लें, यानी कि इसको अच्छे से हिला लें। इसके साथ ही डायरेक्ट लाइट से इसको बचाना है और मॉइस्चर से बचाना है। इसको 30 डिग्री से ऊपर स्टोर नहीं करना है। और इसके साथ ही इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। इस पर एक वार्निंग दी गई है, यानी आपको लगातार इसका इस्तेमाल नहीं करना है। पैरासीटामोल की डेली डोज आपके लीवर को डैमेज कर सकती है। आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं या गले में समस्या हो सकती है या इचिंग या रेसेस हो सकते हैं या आपके मुंह पर स्वेलिंग आ सकती है या आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। दोस्तों, इसके साथ ही बात कर लेते हैं हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो हर तरह हर मेडिसिन के अपने फायदे होते हैं, उसी तरह हर मेडिसिन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स में आपको स्किन पे रेशेस हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है, ठीक है, नाक बहने की समस्या हो सकती है या मुंह में छाले हो सकते हैं। अगर इस तरह की कोई भी समस्या आपको नजर आती है तो आप इसके इस्तेमाल को तुरंत रोक दें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिससे कि आपका फर्दर ट्रीटमेंट हो सके। इसके साथ ही हम बात करते हैं जो माताएं बहनें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और प्रेगनेंसी के दौरान इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। GPP कंपनी ने इसको मार्केटेड किया है और इसको मैन्युफैक्चर्ड किया है लेबोरेट फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड ने, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं। दोस्तों, ये थी पैरासीटामोल सस्पेंशन पैरा 125 ml बारे में जानकारी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आप देख रहे थे सूरज मेडिसिन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।